यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके हैं। और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। और वैसे भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो ये बात लोगों के समझ में आ गई और लोग इस बार अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन नकुलनाथ भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस ही वो जीत रहे हैं और कांग्रेस ही जीत रहे हैं। नहीं, वो दावा कुछ भी करें पर वास्तविकता तो ये है कि पिछली बार ही सरकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 हज़ार से जीते थे, वो भी उन्होंने खूब गुंडागिर्दी की थी। वो बात तो रही नहीं है, ना सरकार है उनके हाथ में। और इसलिए लोग फ्री होकर एक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, लोग कांग्रेस के दबाव की राजनीति से। और देखिए, एक धड़ल्ले से बड़े बड़े नेता, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, मेरा ख्याल है अभी तक पूरे लोकसभा के अंदर 100 से ज़्यादा सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो जिला पंचायत के सदस्यों ने ज्वाइन किए, विधायक जी ने ज्वाइन किए, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। क्या वजह लगती है सर कि आप जा रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, या फिर